एनआई न्यूज में हम आपका खैर मकदम करते हैं। व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि इलेक्शन का माहौल है और राहुल गांधी आवाम से मुलाकात करते हुए एक नई पहचान बनाने में कहां तक कामयाब होंगे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी का हर इलेक्शन के मौके पर एक अलग ही रुख देखने को मिलता है। आज भी राहुल गांधी ने हरियाणा के एक गाँव में मर्द और ख्वातीन से मुलाकात की। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए जानने की कोशिश की कि हरियाणा में ड्रग्स और जराइम में इजाफे का सबब क्या है। आइए देखते हैं राहुल गांधी के ये लोगों से मुलाकात और गुफ्तगू के कुछ मनाजिर। नशा क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगार है, काम करते हो काफी लोग तो उनमें नशे करने का टाइम नहीं लगे तो नशे करते हैं बच्चे। ड्रग्स भी है? ड्रग्स भी है, सुल्फा है, फीम भी है, टिक्के भी हैं जी। पहले ये पंजाब में होता था, पंजाब से भी ज्यादा बढ़ रहा है जी हरियाणा। अब यहाँ ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है पंजाब से भी। सबसे ज्यादा महंगाई की चोट आपको कैसे लगती है जी? हमारे खाने में, पेट्रोल में, कहाँ किस चीज में लगती है? पेट्रोल में भी लग सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस इतनी है। आप प्राइवेट स्कूल में भेजती है? हमारे बच्चे सरकारी में भी पढ़ाए। और कोई बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी में जाए जी, सरकारी में ठीक नहीं होते फिर प्राइवेट में भी ले जाए उठा के। मगर आजकल सब कुछ प्राइवेट हो गया, सब कुछ प्राइवेट। नशा और ये कैसे खत्म करी जाएगी? रोजगार में लगाते कम हो करेंगे तो खत्म होगा। मतलब आपको लगता है कि नशा बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है? हाँ जी। मतलब आपको आपको नहीं लगता कि आपको घेरा जा रहा है? अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई और महंगाई, टमाटर एक्सटॉर्शन देख लो कुछ भी, किसान के काले कानून, ये सारे के सारे मतलब आपको एक प्रकार से घेरने का काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको घेर कर उनका जो पैसा है उनकी जेब से निकालो और अरबपतियों की जेब में डालो। आप स्कूल के लिए पैसा देते हो, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए, आपके जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आता नहीं है। सर मेन जो लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गली में माँ बाप ने खेलने के लिए छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद वो मिले ही नहीं है गली में। बच्चा आपको डर लगता है? डर लगता है। कारण क्या है इसका? बेरोजगारी है या कुछ और कारण? बेरोजगारी है जी, बेरोजगार है। बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो और क्या करेंगे? नौकरी हथियार नशा है और यो लूटपाट है, यो ऐसा लगा। तो ये जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं और फिर इनको ये सेना से निकालेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? पहले क्या होता था कि हमारा किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगाता था, पहलवान बनाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करते थे। अब कोई नहीं भेज रहा, कहाँ भेजेंगे 4 साल नौकरी करने? बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है आगे, क्यों भेजेंगे हम ऐसे रास्ते पर बच्चे को जहाँ फ्यूचर ही नहीं है? आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? है जी। अच्छा, कुश्ती क्यों शुरू की तुमने? मतलब कुश्ती की, फुटबॉल या कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं खेला? ये गेम बढ़िया लगता था और गेम में जैसे टीम होती है तो एक टीम के ऊपर खड़ा होना, एक अकेलेपन पर खड़ा होना तो अलग ही बात होती है। और सबसे अच्छा दाव कौन सा लगता है आपको? अटैक। अटैक में क्या? डबल लेग अटैक। डबल लेग अटैक दिखाओ। दिखाओ, करके दिखाओ। नाम क्या है इसका? दस्ती। दस्ती, सही बोल रहे हैं। क्या बात? इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।